नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। भक्तामर वाले बाबा प्रणम सागर चिमुनि महाराज की महाराज जी ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಆಗಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸರಿಗಳು ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದೆಯಾ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರ ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ कन्नड़ का है लेकिन मैं आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहले प्रश्न किया कि हमारे यहाँ पर जो भी फल चढ़ाए जाते हैं वो सभी प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से पैदा होते हैं, नैसर्गिक है, नेचुरल है। लेकिन उत्तर भारत में फल सूखे चढ़ाते हैं, सूखे बादाम, ड्राई फ्रूट सूखे इस प्रकार के चढ़ाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में सभी फल हरे चढ़ाते हैं, फूल सुगंधे चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पंचम काल है, हुंडावसर्पणी काल है, जो नहीं होना है वो हुंडावसर्पणी काल में होगा। यहाँ पर बस वही अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा जो अपने अंदर आगम के साथ, अध्यात्म के साथ, जिनागम के साथ चलेगा, वही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। देखिए, जितने भी फल पैदा होते हैं, जितने सारे फूल पैदा होते हैं, दक्षिण भारत में ही पैदा होते हैं। आप कभी उत्तर भारत में जाना, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर फल नहीं होते हैं, पुष्प भी होते हैं तो पुष्प टेसू के होते हैं, ऐसे फूल होते हैं गेंदा के जो कोई काम के नहीं होते हैं। इस वजह से उत्तर भारत के लोग जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं, सूखा चढ़ा रहे हैं। कई बार मुझे बड़ा दुख होता है, हम बादाम को चढ़ाते हैं, बादाम के चढ़ाने के साथ साथ वह बादाम किसी पुजारी के काम नहीं आता, ना किसी माली के काम आता है। वह माली फिर बादाम को इकट्ठा करता है, जिस दुकान से आप लेके आए थे वह उसी दुकान पर पहुँचा दिया करता है। इसलिए उस बादाम को हम लोग पूजा की बादाम कहते हैं, मैं उसे जैन बादाम कहता हूँ, जो जैनों के अलावा कोई नहीं खरीदता है। याद रखना, यदि आप भगवान को सूखा चढ़ाओगे तो अगले भाव में आपका जन्म ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर हमेशा सूखा ही पड़ेगा, और जो भगवान के चरणों में हरा भरा सात्विक प्राकृतिक नैसर्गिक फल चढ़ाएगा, वही जीव जहां पर हरा भरा वातावरण होगा वहीं पर उसका जन्म होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जहां तीन लोक के नाग का समाव क्षण लगा होगा, वहां उस जीव का जन्म होगा, वहां वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि गोमटेश और बाहुबली की व्यवस्था क्या है। आज सारा देश जैन धर्म को बाहुबली के रूप में देखता है, तो जैसी व्यवस्था गोमटेश और बाहुबली की चल रही है, वैसी ही व्यवस्था यदि भारत देश में चलती रही तो यह देश जैन धर्म को जीवन भर याद करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न मैं कह रहा, मैं कहना चाहता हूँ पंडित जी से, आज तिरुपति बालाजी में कौन से भगवान है? नेमिनाथ भगवान, जैनों के भगवान नेमिनाथ। लाखों लोग अजैन जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो धार्मिक इच्छा से सामग्री चढ़ाते हैं, तो धर्म उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जबकि भगवान जैन है। केसरिया जी में जाइए, केसरिया जी में कौन है? आदिनाथ भगवान है, जो अच्छे भावों से केसर लगाते हैं तो उनका जीवन भी केसरिया केसरिया हो जाया करता है। जो अष्टापद जाते हैं, अष्टापद में कौन है? आदिनाथ भगवान है, उनकी पूजा हिंदू भी करते हैं,
जैन भी जाते हैं, लेकिन वहां जब हिंदू जाता है उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। विचार करिए कि जैनों के भगवान को हिंदू मानता है, हिंदू की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, और जैन यदि मानता है तो वह अपने जीवन में सूखा का सूखा हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सूखे सूखे द्रव्यों पर होता है। मेरा आपसे ही कहना है, यदि आगम में जैसा लिखा है यहाँ पर किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाएं, जैसा लिखा है बस वैसा ही करते जाओगे। एक दिन यही आगम आपके साथ चलते चलते आपको परगम परमागम की यात्रा करा सकता है। तीर्थंकर की वाणी और सामान्य केवली की वाणी, जो सामान्य केवली होते हैं उनकी गंध कुटी होती है, जो तीर्थंकर होते हैं उनका समोषण हुआ करता है। तो किसी भव्य जीव के पुण्य के प्रभाव से, या ऐसा कहें गणधर के प्रभाव से, तीर्थंकर की वाणी गिरती है, और यही वाणी पंचम काल के लिए जिन वाणी हो जाया करती है। इस वाणी का लाभ हम सभी पूरी आत्मीयता के साथ लिया करते हैं। यदि इस समय हमें चिन्नत भगवान की वाणी नहीं मिल रही है, कोई गम मत करना, लेकिन इस पंचम काल में हमें जिनेन्द्र भगवान के रूप में जिनवाणी मिल रही है, इसके हिसाब से चलोगे एक दिन ऐसा आएगा आपको साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी से भी साक्षात्कार हो जाए। ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರಾವಕರು ನಾವು ಬಂದವರು ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಮ್ಮ ಮುನಿಗಳು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕ ಆಜ್ ಹಮಾರಿ ಮಂದಿರ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಭೀ ಹೋತೆ ಹೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಭೀ ಹೋತೆ ಹೇ, ಕೈ ಐಸೆ ಸಂತ ಹೋತೆ ಹೇ ಜೋ ಕಹತೆ ಹೇ ಮಂದಿರ ಮೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ನಹೀ ಹೋತೆ ಹೇ, ऐसा कहते हैं तो लगता है कि पंचम काल में समर्षण बनी आता है, क्योंकि जब साधु सामायिक करते हैं तो सामायिक के समय वह ध्यान में समर्षण को लेकर के आते हैं जहां पर 12 सभाएं हुआ करती हैं। हम कई बार ऐसा सोचा करते हैं कि एक संत सभी संप्रदाय के श्रावकों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो साक्षात भगवान की सेवा में बैठे हैं, जिनका आगम में उल्लेख है कि देवी देवता हमेशा 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं, क्या साधु उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता? इसका मतलब वह साधु जैन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्योंकि जो देता है, समझ गए ना, जो देता है उसे देवता मानता है। अगर ये परंपरा चलती रही तो लोगों के मन में एक ही भावना होगी कि देवी देवता नहीं होते हैं, जो पैसा दे रहा है वही देवी देवता होते हैं। ये मिथ्यात्व है, क्योंकि ना जाने कहां कहां का मिथ्यात्व का द्रव्य इकट्ठा करके हम मंदिर में दान देते हैं, फूल माला पहनते हैं और पूरे मंच के देवी देवता बन जाया करते हैं। जो साक्षात तीन लोक के नाथ की सेवा करते हैं उन देवी देवताओं को पीठ दिखा दिया करते हैं। याद रखना, जो मंदिर के देवी देवताओं को पीठ दिखाया करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कर्म हमेशा उनके पीछे पीछे चला करते हैं, फिर एक दिन उसके जीवन में भगवान भी दूरियां बना लिया करते हैं। जब कभी कोई अधिकारी से मिलने जाता है तो सबसे पहले कर्मचारी से मिलना पड़ता है, कर्मचारी खुश होता है तो वही कर्मचारी अधिकारी से मिलाता है, और देवी देवता इतने दुखी होंगे, दुखी से मतलब देवी देवताओं का पार करोगे तो आप तीन लोग के नाते से कैसे मिल पाओगे। जीवन में गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। ये पंचम काल है भाइयों, इस पंचम काल में हम संत को ही भगवंत माना करते हैं, संत के साथ ही जुड़ के अपनी आत्मा का कल्याण किया करते हैं। उसी प्रकार से आज जितने भी संत हैं वह संत श्रावक के ऊपर निर्भर हैं। यदि श्रावक चौका नहीं लगाएगा तो साधु की साधना पूरी नहीं हो पाएगी। यदि मंदिर में देवी देवता नहीं होंगे तो मंदिर की पूरी व्यवस्था आगम के अनुसार नहीं चल पाएगी, उन मंदिरों में चोरियां भी होंगी, अतिशय नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। तो आज के हमारे बच्चे दूसरे मंदिरों में जाएंगे उसी को भगवान मानेंगे, क्योंकि वहां चमत्कार होते हैं, यहाँ पर तिरस्कार होता है। ऐसी भाव जब पैदा करोगे यह हमारे जैन धर्म को गर्त की ओर ले जाने वाली बातें हैं, इसलिए हमें गर्त की ओर ले जाने वाली बातें नहीं करना है,
स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाने वाली बातें करके धर्म से जोड़ने की बात करना है। प्राचीन ही धर्म है, वर्तमान का धर्म नहीं, एक परंपरा है। आचार्य श्री के चरण कमल में तिरवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। आचार्य श्री, एक मेरी जिज्ञासा ये है, कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था दो एक बार, कि जब तक तीर्थंकर का समोसरण नहीं होता है तब तक वो उपदेश नहीं देते, क्या ये सत्य है आचार्य श्री? इसके बारे में हमें थोड़ी हमारी जिज्ञासा पूरी कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा जैन आगम में कहा जाता है, जब तक तीर्थंकर का समोषण नहीं लगता है, गौतम गर्धर का आगमन नहीं होता है, तब तक तीर्थंकर की वाणी नहीं फिरती है। सभी ने सुना होगा, भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन रहे, समोषण लगा रहा, लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे। जैसे ही इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति का आगमन होता है, उनका मान कलन होता है, मानसम देखते ही उनके मुंह से निकलता है जैनम जयति शासनम, उसी समय से जैन धर्म जन जन का धर्म हो जाता है। तो वर्तमान काल में तीर्थंकर की वाणी से ही समोषण की शोभा है। समोषण तो श्रावकों का होता है, लेकिन जब भगवान की वाणी खिलती है तभी जाकर के वह पूर्ण समोषण हुआ करता है। तो बिना वाणी के समोषण अधूरा है, और बिना समोषण के संत की तीर्थंकर की वाणी अधूरी हुआ करते हैं। इसलिए समोषण और वाणी एक दूसरे के पूरक है। तो महाराज जी, जब तक उनका समोषण नहीं वो बनता है या विराजमान नहीं होते, तब तक वो उपदेश देते ही नहीं है महाराज जी। हाँ, वो मौन रहते हैं, क्योंकि जब तक वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वो मौन ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मेरी वाणी जिन वाणी नहीं होगी। इसलिए जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है, जब तक साधु चारों नियमों को नहीं पढ़ लेता है तब तक वह उपदेश करने का भी उसको अधिकार नहीं होता है। ये नहीं तो कोई गलत भी हो सकता है, और गलत का प्रभाव श्रावक पे पड़े ना पड़े, लेकिन हमारे जिन आगम पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी संत आज अपनी बात रखते हैं, कोई 13 पंथ के रूप में रखते हैं, कोई 20 पंथ के रूप में रखते हैं, कोई कहन पंथ के रूप में रखते हैं, क्योंकि धर्म न 13 है न 20 पंथ है न कोई कहन पंथ है। धर्म तो एक नैसर्गिक वस्तु का नाम है, वस्तु सहाव धमो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो इसलिए जो जिस स्वभाव में है उसको उसे स्वभाव में रहने दो तो आप धार्मिक हो। यदि आपने स्वभाव को बदल दिया उसी दिन से धर्म आपका साथ छोड़ देगा। न धर्मो धार्मिके बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता है। तो मेरी यही भावना है सुबोध भाई, जीवन में हमेशा धर्म से जुड़े रहें। धन तो दूसरे भाव में फिर मिल सकता है, धन तो देवगति में मिल सकता है, लेकिन जब वहां पर हमें धन मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा, संयम नहीं मिलेगा, उस समय आपको जैन धर्म की याद आएगी। तो मैं चाहता हूँ उस याद ना करना पड़े, यही सही आगम को याद करके जाओगे तो यही आगम कल आपके लिए समोषण का कारण बनेगा और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता। रत्नत्रय तो आप ही देके आए हैं आचार्य जी, हमें 2012 में। ये भी बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं, पूरे सेवा से जुड़े हुए हैं, अभी इनके रत्नत्रय के प्रचल रहे हैं, 3 दिन व्रत उपवास के साथ साधना करते हैं। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, और पूरा समर्पण है। रहने वाले फिरोजाबाद के हैं, लेकिन फिरोजाबाद के रहने के बाद भी इन्हें फिरोजाबाद की नहीं, इन्हें दक्षिण भारत की हवा लगी है, और पूरे आर्ष परंपरा के अनुसार, आगम के अनुसार, जो शांति सागर जी बता करके गए, जो बाहुबली की प्रतिमा बता रही है, उसी प्रतिमा के साथ वह प्रतिमा का पूजन पाठ और अभिषेक किया करते हैं। अगर आप कभी पीछे मंदिर देखने जाओगे तो आप सुबोध भाई से संपर्क कर लेना, क्योंकि इनको हिंदी आती है, बाकी सब कन्नड़ वर्ता है।
कन्नड़ में बोलते हैं तो कन्नड़ में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इन्हें चुने, इनसे नंबर ले, जब कोई बेंगलोर जाए तो पास में ही पीकॉक टेंपल के नाम से वर्ल्ड फेमस मंदिर है, जिसे पीछे मंदिर कहा जाता है। अपने जीवन में जब कभी कॉम्पिटिशन बाहुबली जाओ, पूरे परिवार हमारा है। और रमेश भाई बनी 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 इलर बनी पंडित रहे, कुर्सी हटा दो पीछे। बोध भाई का पूरा ग्रुप है और पूरी आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर जो परिकल्पना, पता नहीं 2 महीने की मौन साधना के अंदर जो मेरे अंदर आई, वही परिकल्पना आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है। जैसे चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की स्थापना की, तो आज यह 8वां जुबा है पूरे दुनिया के लिए। और इसी प्रकार से 81 फीट का मैंने एक पीछे आकार का मंदिर इन लोगों के पूरे पुरुषार्थ के माध्यम से तैयार हुआ है, जिसे लोग आज पूरे वर्ल्ड के रूप में पीकॉक टेम्पल की, हम मोर की रक्षा कैसे करें, मयूर को कैसे बचाएं, इस भावना के साथ वहां पर निर्वापित किया गया है। और पूरी आस्था के साथ सारा देश, चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, जब भी कभी उस मंदिर को देखता है उसे ऐसा लगता है जैसे मैं पीछे मंदिर को देखने नहीं, भारत माता की उस पहचान को देखने के लिए आया हूँ, जिस भारत को एक मयूर पंख के नाम से जाना जाता है। तो एक सुंदर थी परिकल्पना वहाँ पर हुई है। यही मैं चाहता हूँ कि जीवन में एक बार यदि आपको बाहुबली जाने का मौका मिले, तो बस बेंगलोर से आप सीधे तुमकुर मंदागिरी आइए और साक्षात उस 81 फीट पीछे मंदिर के अंदर विराजमान शांति सागर के दर्शन करें। शांति के साथ फिर आपकी बाहुबली की यात्रा सानंद संपन्न हो, रोमचा पद्मावती की यात्रा आपकी सानंद संपन्न हो, पूरा दक्षिण भारत आपके साथ आनंद और सानंद संपन्न हो सके आपकी यात्रा। इस प्रकार की भावनाएं सभी भक्तों ने भाई है। सारे भक्तों को मेरा यही आशीर्वाद है, जीवन में देव शास्त्र गुरु से हमेशा जुड़े रहे। इसके साथ साथ जो जिनागम में लिखा है बस उसी जिनागम का अनुसरण करते रहें। जीवन में हमें लालच में नहीं पड़ना है कि कौन क्या कह रहा है, हमें किसी की बातों में नहीं आ रहा है जिन वाणी क्या कह रही है, बस इसी बात के साथ आगे बढ़ते जाना है, तब जाकर के आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हो। बच्चा जिस किताब को तरीके से पढ़ता है, वह किताब उस बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, फकीर बना देती है। यदि हमने जिन वाणी को सही रूप में पढ़ा, यही जिन वाणी कल आपसे इतनी शक्ति, कल आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कराएगी, यही जिन वाणी कल आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिला देगी।